हमने शुरू किया था कौन सा चैप्टर? हाँ, सप्लाई अंडर जीएसटी है ना, वैल्यू ऑफ सप्लाई, सॉरी। हमने सप्लाई सॉरी वैल्यू ऑफ सप्लाई डिस्कस किया था। वैल्यू में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था वैल्यू में ट्रांजेक्शन वैल्यू लेंगे अगर दो कंडीशन पूरी हो जाए, प्लस उसमें पांच चीजें इंक्लूड की जाती हैं और दो एक्सक्लूड की जाती हैं। पांच कौन कौन सी इंक्लूड की जाती हैं बोलते जाए एक बार। टैक्स इंक्लूड किए जाते हैं क्या? टीडीएस टीसीएस इंक्लूड किए जाते हैं? नहीं, कस्टम एक्साइज हाँ, म्यूनिसिपल टैक्सेस भी इंक्लूड हो जाएंगे, सारे टैक्स हो जाएंगे इंक्लूड, एक्सेप्ट जीएसटी वाले टैक्स इंक्लूड नहीं होंगे। दूसरा हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसी चीज जो लाइबिलिटी किसकी है, सप्लायर की, उसको कौन इनकर करता है, कौन पे करता है, रेसिपिएंट पे करता है, वो वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। तीसरा हमने पढ़ा था इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग, ठीक है, और एनीथिंग पेड फॉर एनीथिंग डन बाय सप्लायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग डिलीवरी और बिफोर मेकिंग डिलीवरी। तो अगर सप्लायर कुछ भी कर रहा है उसके संबंध में पैसे चार्ज करता है, तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा। जैसे इंस्पेक्शन करता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है, क्वालिटी चेक करता है, डिजाइनिंग करता है, ठीक है, सारे जो भी अमाउंट हम इसके बदले देंगे वो पार्ट बनेंगे वैल्यू का। चौथा हमने पढ़ा था कि क्या इंक्लूड होगा वैल्यू सप्लाई में, जो भी डिले चार्जेस इंटरेस्ट वगैरह है वो क्या हो जाएगा, वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। क्या क्या बन जाएगा? इंटरेस्ट और डिले फीस, डिले चार्जेस बन जाएगा किसका? वैल्यू का पार्ट। मैंने बताया था कि अब हमने इनवॉइस तो आज इशू कर दी, डिले हुआ 5 महीने बाद पता चला और फिर पैसा मिल रहा है, तो इनवॉइस की तो टाइम ऑफ सप्लाई अभी आ जाएगी, लेकिन जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उसके टाइम ऑफ सप्लाई कब मानेंगे? उसका टाइम ऑफ सप्लाई मानेंगे जब इंटरेस्ट हमें क्या होगा, रिसीव होगा। कब मानेंगे? जब हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। क्लियर बात समझ आ रही है आपको? पांचवा पॉइंट क्या था जिसे हम 15 टू ई बोलेंगे, 15 टू ई क्या था वो? सब्सिडी, एक्सेप्ट दी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने बोला था अगर कहीं प्राइस दिया जाए तो आप मानेंगे वो सब्सिडी हटाने के बात का ही होगा। दूसरा मैंने बोला था कि अगर जो हमें डिले चार्जेस मिले, इंटरेस्ट मिले, कुछ ना कहा जाए तो हम मानेंगे इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा। ये कुछ बातें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने बात की थी डिस्काउंट माइनस होता है 15(3) में, तो 15(3) का ए और बी, ए था जो डिस्काउंट एट द टाइम और बिफोर मेकिंग सप्लाई, सप्लाई करते समय, सप्लाई करने के पहले जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अलाव हो जाएगा, उस पर कोई कंडीशन पूरी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा डिस्काउंट था पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, वो सप्लाई डिस्काउंट तभी अलाव होगा जब उसके संबंध में एग्रीमेंट पहले से एग्जिस्ट करता हो, प्लस जितना डिस्काउंट दिया गया है उस डिस्काउंट पे प्रोपोर्शनेट आईटीसी रेसिपिएंट रिवर्स कर दे, अगर उसने ले लिया तो रिवर्स कर दे, अदरवाइज अवेल ना करे। क्या कोई भी डाउट है आपको? ये लिख पाओगे प्रॉपर इतना समझ आ गया आपको? तो ये हमने पढ़ा था 15(1) की ट्रांजेक्शन वैल्यू लेंगे और 15(2) के पॉइंट ऐड करेंगे और 15(3) को माइनस करेंगे, हमने क्वेश्चन करे थे। फिर हमने शुरू करा था 15(4). 15(4) में हमने पढ़ा था कि अगर 15(1) की ट्रांजेक्शन वैल्यू नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि या तो दोनों आपस में क्या है, रिलेटिव है, सप्लायर और रेसिपिएंट, या फिर मनी प्लस काइंड कंसिडरेशन है, या ऐसा कुछ भी है, तो फिर 15(4) के हिसाब से वैल्यूएशन रूल लगेगा, जो मैंने बताया था कि 727, 28, 29, 30, 31 रूल है, ठीक है। और फिर मैं बता रहा कि 15(5) में कि कुछ ट्रांजेक्शन है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई करे हैं, उनमें उनके केसेस में वैल्यूएशन के स्पेसिफिक रूल दिए गए हैं, ठीक है। वो शुरू होता है रूल 31A से, 31A, 32, 33, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप कि आज अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बस हम शुरू करते हैं वैल्यूएशन रूल। सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 वैल्यूएशन रूल्स, वेयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15(1). रीजंस क्या हो सकते हैं? सप्लायर एंड रेसिपिएंट क्या हो, रिलेटेड पर्सन हो, एक रीजन हो सकता है, या फिर क्या हो जाए,
जो कंसिडरेशन है वो मनी प्लस काइंड हो जाए, है ना? या तो ये दोनों रिलेटिव हो जाए, या जो कंसिडरेशन है वो मनी प्लस काइंड हो जाए, नॉन मॉनेटरी हो जाए। ऐसा भी हो सकता है देयर इज नो कंसिडरेशन, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या ऐसे केस में सप्लाई मानेंगे जो हम वैल्यू निकालने की बात करें? हाँ सप्लाई मानेंगे। हमने पढ़े ना शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल पढ़ा है? वन। शेड्यूल वन में क्या है? विदाउट कंसिडरेशन वाले ट्रांजेक्शन। शेड्यूल टू में क्या है बताएं तो? किसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, किसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। शेड्यूल थ्री में क्या है? नेगेटिव लिस्ट है, ठीक है। तो शेड्यूल वन में हमने चार ट्रांजेक्शन पढ़े हैं, वो भी तो ट्रांजेक्शन हो सकता है। अब उस केस में तो कंसिडरेशन होता ही नहीं है, और आपने बोला कि जी उसको हम सप्लाई मानेंगे, तो उसके केस में वैल्यू कैसे निकाली जाए? एक कुछ चीजें हम डिस्कस करने वाले। ओके, तो ये वैल्यूएशन रूल 27, जहां पे जो कंसिडरेशन है इज पार्टली इन मनी प्लस पार्टली इन काइंड। कंसिडरेशन कुछ मनी के फॉर्म में है और कुछ काइंड है, ठीक है। करें शुरू यहां से, मॉड्यूल के प्रिंट का बोल दिया है, नीचे से आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फोटोकॉपी वाले से तो आप कलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा देखो, प्लीज देखें, सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ध्यान से करेंगे इनको। देखिए रूल 27, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर द कंसिडरेशन इज नॉट होली इन मनी। बोला अगर कंसिडरेशन पूरा पैसों में ना आए, मीन्स प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? वैल्यूएशन रूल लगाना है। बिल्कुल सरल है, मैं पहले पूरे बोल देता हूं फिर हम यहां रीड करेंगे। तो सपोज करो उन्होंने हमें कंसिडरेशन इन काइंड दिया है, सपोज करो, तो इन्होंने पहला ये बोला, और जिस सिक्वेंस में बोला उसी सिक्वेंस में हमें फॉलो करना होगा। फर्स्ट स्टेप है आप क्या मान रहे हैं? ओपन मार्केट वैल्यू, नोट मत करना, नोट करा दूंगा। उन्होंने बोला कि अगर एक व्यक्ति ने, जो सप्लायर है, आपको वो गुड सप्लाई कर रहा है और वो जनता को भी गुड सप्लाई कर रहा है, आपके केस में आपने जो भी कंसिडरेशन दिया है वो मनी दी है प्लस आपने कुछ नॉन मॉनेटरी भी दिया है, तो अब नॉन मॉनेटरी की वैल्यू नहीं समझ आ रही और आ भी रही, तो पहला स्टेप ये है कि अगर एक सप्लायर मिस्टर ए को सप्लाई करता है और मिस्टर बी को, और मिस्टर बी से वो सप्लाई करता है फॉर ₹12,000, और मिस्टर ए को सप्लाई करता है फॉर ₹10,000 एंड अदर कंसिडरेशन, जो कि क्या है? इन काइंड, ठीक है, प्लस नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। तो इन्होंने बोला कि सिंपल सा पॉइंट क्या है? इन्होंने बोला कि आप ये मान लें, ट्रांजेक्शन की वैल्यू क्या मान लें? 12,000। अगर सप्लायर मिस्टर ए को 10,000 प्लस कुछ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन के बदले सामान दे रहा है और अदर पर्सन को 12,000 में देता है, ठीक है, बहुत सब्जेक्ट टू डिस्कशन होता है, तो कितने में देता है? 12,000 में देता है, तो ओपन मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 12,000। तो 12,000 ही वैल्यू ऑफ सप्लाई बन जाएगा। पहला स्टेप ए है। हो सकता है ओपन मार्केट वैल्यू ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
ऐसा इसलिए हो सकता है कि एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही ना करता, ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि स्टेप बाय स्टेप सेम सीक्वेंस में जाएगा, जो भी बता रहा हूं वो सेम सीक्वेंस में जाएगा। तो उन्होंने बोला है कि फिर क्या करें आप, जो मनी है वो ले लें प्लस मनी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। तो बोले फिर आप एक स्टेप और मेहनत कर लें, जो पैसा मिला है वो और जो भी आपको सामान मिला है उसकी मनी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप उसके जैसा सामान दे रहे हो एग्जैक्टली, तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लें। नहीं पता आपको ओपन मार्केट वैल्यू, तो उन्होंने बोला क्या करें, मनी तो ले ही रहे हैं आप प्लस मनी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। जो नॉन मॉनेटरी है उसकी मार्केट वैल्यू जानने की कोशिश करें और उसको कंसिडर कर लें। ये हम स्टेप पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता। जैसे कि सपोज करो एक पेंटिंग है, अगले पर्सन ने हमें 10,000 रुपए दिए और एक पेंटिंग दी, उसके बदले में हमने उसको कुछ दिया, उसने क्या क्या दिया, प्लीज सुने ध्यान से, एग्जाम्पल ध्यान से सुन लें, क्या दिया उन्होंने, 10,000 रुपए प्लस एक पेंटिंग। अब पेंटिंग की मनी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑर्डिनरीली पता नहीं चल पाती है ना, यानी एक ही पेंटर की एक पेंटिंग बहुत फेमस हो सकती है और दूसरी बिल्कुल भी फेमस ना हो, डिपेंड करता है, बहुत सब्जेक्ट है ना, बहुत सब्जेक्टिव है। तो फिर हम क्या करें, हमने बोला सर ऐसी इक्विवेलेंट वैल्यू समझ नहीं आ रही उसकी, तो क्या करें। तो उन्होंने तीसरा स्टेप क्या दिया है, फिर आपने जो इसी तरीके की जो सिमिलर काइंड के जो आपने प्रोडक्ट बेचे हैं या सप्लाई की है उसकी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को आप इसकी वैल्यू मान, यानी हमने एक नॉर्मल पेंटिंग दी उनको भगवान की और 10,000 रुपए दिए हैं। तो उन्होंने बोला कि आप नॉर्मली ऐसे भगवान की पेंटिंग कितने रुपए में बेच देते हो, वो वैल्यू आप क्या करते हो, कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अगर उसकी एग्जैक्ट मॉनिटरी वैल्यू पता चले तो उसके सिमिलर जो गुड्स हैं, ठीक है, उसी तरीके के जो गुड्स हैं उनकी मॉनिटरी वैल्यू को आप कंसिडर कर सकते हैं। आ रही बात समझ में आपको, थोड़ा थोड़ा मैं एक बार रीड करा दे रहा हूँ ताकि आपको ये वर्ड से दिमाग में बैठे। देखो जो मैं तरीका अपनाता हूँ वो थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन आप माने उससे आपको हेल्प मिलेगी। मैं थोड़ा उसको रिड्यूस करूंगा, कम लेंदी रहे, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा और रीड नहीं कराऊंगा ना, तो आपके लिए मॉड्यूल नया हो जाएगा, फिर आप नए सिरे से बैठोगे। तो मैं अपना टाइम थोड़ा सा बर्बाद करता हूँ इसी के लिए कि आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए। आप जिस किताब से टीचर एक बार अंडरलाइन करा देता है, दिखा देता है, रीड करा देता है, वो आपको कंफर्टेबल हो जाती है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है। और मैं आपसे फिर से बोला हूँ, आपको स्टडी मटेरियल की एक सिंगल लाइन नहीं छोड़नी है प्लीज, ठीक है। स्टडी मटेरियल ही हमें 2 बार अच्छे से रीड करना है और हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, हम बेहतरीन परफॉर्म करेंगे, कोई डाउट नहीं है, आप कुछ नहीं छोड़ना। इसलिए मैं भी रीड करा देता हूँ, देख लें एक बार। तो इन्होंने क्या बोला, पहला पॉइंट, वेयर दी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी, द वैल्यू ऑफ सप्लाई सेल, इस सिक्वेंस में चलेगी ओपन मार्केट वैल्यू, इतना अंडरलाइन करेंगे हम। इफ दी ओपन मार्केट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल अंडर क्लॉज ए, सो बी द सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी, तो क्या करेंगे, मनी एंड एनी सच फर्दर अमाउंट इन मनी एस इज इक्विवेलेंट टू दी कंसिडरेशन नॉट इन मनी, तो जो मनी एस इज इक्विवेलेंट टू नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन। तो आप जो पैसा मिला है प्लस जो नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन की आपको जो वैल्यू लग रही है वो ले लो, इफ सच अमाउंट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, अगर आपको पता हो कि उसने जो पेंटिंग दी है वो ऑर्डिनरीली कितने रुपए में बिकती है, ठीक है, तो वो वैल्यू जोड़ लो, जो भी उसकी मनी वैल्यू है वो आप जोड़ सकते हो। तीसरा, अगर आपको ये भी नहीं पता, यानी ओपन मार्केट वैल्यू भी नहीं पता प्लस जो नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन है उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू भी नहीं पता, तो तीसरा स्टेप क्या होगा, इफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नॉट डिटरमिनेबल अंडर क्लॉज ए और बी, बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ ऑफ लाइक काइंड और एंड क्वालिटी, उसके जैसे ही काइंड एंड क्वालिटी की चीजें किस रेट पे बिकती हैं वो देख लो, ठीक है। देखो मैंने पेंटिंग का एग्जाम लिया, एग्जाम्पल लिया क्योंकि मैं नीचे तक के एग्जाम्पल पे जाना चाह रहा था, अदरवाइज आप सोचो कैसे भी कि आपने किसी से कुछ गुड्स परचेज की उसके बदले में आप 10,000 रुपए देते हो,
प्लस सपोज करो उसको एक क्लासमेट की नोटबुक देते हो, तो क्या अब इतना कठिन बचा? नहीं बचा, क्योंकि क्लासबुक की नोटबुक की आपको मनी इक्विवेलेंट वैल्यू तुरंत ही पता चल जाएगी कि ये कितने व्यक्ति हैं। सही है, मैंने तो पेंटिंग लिया जो हाईली सब्जेक्टिव है ना, कि उसकी कीमत कुछ भी हो सकती, तो मैंने लिया ताकि मैं आखिरी एग्जाम्पल तक उसको कैरी कर पाऊं। तो पहला क्या है? ओपन मार्केट वैल्यू। दूसरा क्या है? मनी प्लस मनी इक्विवेलेंट। तीसरा क्या है? वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। चौथा क्या है? इफ द वैल्यू इज नॉट डिटरमिनेबल अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी और क्लॉज सी, सो बी द सम टोटल ऑफ कंसिडरेशन इन मनी एंड सम फर्दर अमाउंट इन मनी दैट इज इक्विवेलेंट टू कंसिडरेशन नॉट इन मनी एज डिटरमाइंड बाय एप्लीकेशन रूल 30 और रूल 31। यानी अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो पहले आप लें ओपन मार्केट वैल्यू, दूसरा में लें मनी प्लस इक्विवेलेंट वैल्यू, प्लस तीसरा लें, और साफ लिख दे रहा हूं क्या, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक, वैल्यू सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, ये होगा। अगर तब भी वैल्यू ना निकाली जाए तो आप लगाएंगे रूल 30, और फिर भी ना निकाली जाए तो आप लगाएंगे रूल 31। ठीक है, ओपन मार्केट वैल्यू, मनी प्लस मनी इक्विवेलेंट, नहीं है तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी, नहीं है तो रूल 30, और नहीं है तो रूल 31। ठीक है, रूल 30 क्या है? रूल 31 क्या है? रूल 30 है आपको जो भी कॉस्ट पड़ी इंटू 110%। क्या मतलब? आपने कुछ तो सप्लाई किया है, ठीक है, आपने कुछ सप्लाई किया है, उसके बदले में सामने वाले ने 10,000 रुपए और कुछ दिया है। आपने गुड सप्लाई की है, उसके बदले में उसने 10,000 रुपए कुछ दिया है। या तो आप जो आपने सप्लाई किया है उसकी ओपन मार्केट वैल्यू बता दो, नहीं पता तो जो उसने सप्लाई किया उसकी इक्विवेलेंट मनी ले लो, नहीं पता तो जो भी आपने सप्लाई किया, जो आपने सप्लाई करा है उस तरीके के जो लाइक काइंड एंड क्वालिटी की चीजें होती है उसकी वैल्यू बता दो, वो भी नहीं पता तो बात खत्म। आपने जो सप्लाई करा है उसकी कॉस्ट क्या है वो तो पता है, अगर वो पता है तो वो कॉस्ट इनटू 110%, मतलब कॉस्ट प्लस 10% बता दो, ये बन जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लाई, कॉस्ट प्लस 10%, या इसको कॉस्ट इनटू 110% बोलो, या फिर क्या बोलो, कॉस्ट प्लस 10% एक ही बात है ना, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओ कहीं कि कहीं इसमें से किस में से चुनना। रूल 31 क्या है? रूल 31 है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जैसा ही होता है, ठीक है, तो बेस्ट जजमेंट वैल्यू। अगर इन चारों में से रूल 30 तक के हिसाब से भी नहीं निकल पा रहा है आपकी वैल्यू, तो फिर आप क्या करें, एक बेस्ट जजमेंट करें, वो अगेन सब्जेक्टिव रहेगा, है ना, वो हम कर नहीं सकते, इतना ही होता तो वो लिखना देते, क्या करना, बोला कि फिर बेस्ट जजमेंट किया जाएगा उस सिचुएशन में कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, क्लियर है क्या? एक बार जरा बोल लें प्लीज, बोल लें, ताकि क्योंकि इसके ही जैसा रिपीट होने वाला है रूल नंबर 28 में, तो फिर हमें यहाँ निपटे तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी बोल रहे वो सोच के बोल रहा कि आपको समझ तो आ गया ना, तो हुआ यह है कि मैंने कुछ गुड सप्लाई करी है, सामने वाले ने 10,000 रुपए दिए हैं प्लस एक नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन दिया है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी सप्लाई की वैल्यू क्या है। तो पहले तो बोला कि मैं ऐसी ही सप्लाई जितने रुपए में करता हूं, मतलब ओपन मार्केट वैल्यू। दूसरा क्या है? जो अगर नहीं हो पता, यही सिक्वेंस चलेगा, नहीं होता तो जो मनी है प्लस मनी इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, वो भी नहीं पता तो हाँ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी। यानी पहला पहले और तीसरे पॉइंट में क्या अंतर है? जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं उसकी ओपन मार्केट वैल्यू, और तीसरे पॉइंट में क्या है कि उसकी ओपन मार्केट वैल्यू नहीं पता। एक पहली बार इस टाइप का प्रोडक्ट आपने बेचा है तो फिर आप उसके जैसे लाइक काइंड एंड क्वालिटी के प्रोडक्ट की वैल्यू बता दें, वो बन जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर वो भी नहीं पता तो चौथा तरीका यह है कि कॉस्ट प्लस 10%, कॉस्ट प्लस 10%, या कॉस्ट इंटू 110% बन जाएगी आपकी वैल्यू। और अगर कॉस्ट भी नहीं पता, यानी हो सकता है वो आपने प्रोडक्ट खरीदा ही ना हो, आपको कहीं मिला हो, ठीक है, किसी तरीके का हो सकता है, तो फिर आप बेस्ट जजमेंट वैल्यूएशन किया जाएगा। ओके, क्लियर है क्या? ठीक है।
अब एक और रूल पढ़ा देता हूँ, फिर इस थोड़े से एग्जांपल पे जाऊंगा। देखें रूल नंबर 28, हम पढ़ रहे हैं रूल नंबर 28। देख रहे हैं यहां इलस्ट्रेशन भी दिए गए हैं, तो करा ही दूं मैं, बाकी बाद में करा दूंगा। अभी जो 27 पढ़ा हमने, थोड़ा ध्यान से देखना। वेयर अ न्यू फोन इज सप्लाइड फॉर 20,000 रुपी अलोंग विद द एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड फोन। बोला नया फोन सप्लाई कर रहे हैं हम 20,000 रुपए प्लस पुराना फोन, प्लीज सुनते जाए। एंड इफ द प्राइस ऑफ न्यू फोन विदाउट एक्सचेंज इज 24,000 रुपी, तो द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द न्यू फोन इज 24,000 रुपी। कोई डाउट आपको? वो बोल रहे हैं कि हमने क्या किया, एक न्यू फोन है ठीक है, वो सप्लाई किया है और उसके बदले लिया है 20,000 रुपए प्लस ओल्ड फोन, ठीक है, ये सब ये है रेसिपिएंट। तो बोले इसकी ओपन मार्केट वैल्यू क्या होगी? तो अगर वो बोल रहे हैं कि इफ द प्राइस ऑफ द न्यू फोन विदाउट एक्सचेंज, अगर एक्सचेंज ना करें, न्यू फोन की कीमत 24,000 है, इसका मतलब इसकी क्या हो गई, ओपन मार्केट वैल्यू हो गई। एक कोई बड़ा खतरनाक एग्जांपल नहीं था। दूसरा एग्जांपल उन्होंने लिया है, मेरा लैपटॉप इज सप्लाइड फॉर 40,000 रुपी अलोंग विद द वाइटर ऑफ अ प्रिंटर दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द रेसिपिएंट एंड द वैल्यू ऑफ प्रिंटर नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज 4,000 रुपी बट द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज नॉट नोन। फिर से क्वेश्चन रीड कर लो, नहीं तो आंसर ही आ जाएगा, एक लाइन और पढ़ेंगे तो। वेयर अ लैपटॉप इज सप्लाइड फॉर 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए में लैपटॉप दिया गया अलॉन्ग विद द वाल्टर ऑफ अ प्रिंटर दैट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय रेसिपिएंट। रेसिपिएंट ने एक प्रिंटर बनाया है, तो उसने हमें वाल्टर में क्या दिया है, प्रिंटर दिया है। एंड द वैल्यू ऑफ प्रिंटर नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज 4,000 रुपीज, और वो प्रिंटर कितने का है, 4,000 का है। हमने यहां से लैपटॉप सप्लाई किया है 40,000 में, उसके बदले में बार्टर में उसने हमें क्या दिया है, 4,000 का वो दिया है प्रिंटर, ठीक है। बट द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द लैपटॉप इज नॉट नोन, अब हमें इसकी ओपन मार्केट वैल्यू लैपटॉप की पता नहीं है। थोड़ा सा सोचें आप क्या आएगा। सो द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द लैपटॉप इज 44,000, हमने लैपटॉप दिया 40,000 रुपए में प्लस बार्टर में लिया एक प्रिंटर जिसकी कीमत है 4,000, तो मनी कितनी, 40,000, और इक्विवेलेंट मनी वैल्यू ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन कितनी, 4,000, कितना बन गया, 44,000, ठीक है। कई बार हमें चीज इतनी पसंद नहीं आती क्योंकि कठिन नहीं है, अब नहीं है ठीक है। चलो ये देखो एग्जाम्पल तो समझ गए ना आप, है ना, हमने लैपटॉप दिया है, अगले बंदे ने हमें 40,000 रुपये प्लस प्रिंटर दिया है, जो प्रिंटर कितने का है, 4,000 वाला, तो लैपटॉप की सप्लाई की वैल्यू क्या बन गई, 40,000 मनी प्लस 4,000, ये क्या है, मनी इक्विवेलेंट ठीक है ऑफ नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन। तो 28th रूल देखें, इसके जैसा ही है, बस हेडिंग रीड कर लें तो मैं पढ़ा दे रहा हूं। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट और रिलेटेड पर्संस, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड, डिस्टिंक्ट मतलब डीम डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड मतलब वो फैमिली मेंबर या डायरेक्टर या जो ज्वाइंट कंट्रोल या कॉमन कंट्रोल वाले लोग हो गए, अदर देन थ्रू एन एजेंट। तो बोला कि रिलेटेड पर्सन के बीच या डीम डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है, एजेंट बस को छोड़ दो क्योंकि एजेंट का इन्होंने अगला पॉइंट लिया है, ठीक है, एजेंट को इसलिए छोड़ दो क्योंकि मैं लिख दे रहा हूं यहां किसमें कवर किया गया है, रूल 29, इसलिए छोड़ दो। तो अगर वैल्यू हो रही है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन, बस सुन ले, 2 मिनट का टाइम लगे इसमें, रिलेटेड पर्सन के बीच ट्रांजेक्शन हो रहा है, अब वो ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन हो सकता है और वो विद कंसिडरेशन भी हो सकता है,
ऐसे थोड़ी के रिलेटेड के बीच कंसिडरेशन होगा ही नहीं, हो भी सकता है, और अगर विदाउट कंसिडरेशन हुआ तो भी शेड्यूल वन में हमने पढ़ा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम डिस्टेंट पर्सन इन द कोर्स और परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, पैरा नंबर टू है ना, शेड्यूल वन 7(1)(c) याद है आपको। तो मैं ये कह रहा हूं कि विद कंसिडरेशन भी हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। अब अगर विदाउट कंसिडरेशन होगा तो भी हमें वैल्यू निकालनी है, विद कंसिडरेशन भी होगा तो हम कंसिडरेशन पे तो बिलीव करेंगे नहीं, करेंगे क्या? नहीं करेंगे। डाउट है ना हमें उनके कंसिडरेशन पे कि झूठ बोलते हैं। तो यानी कि रिलेटेड के बीच ट्रांजेक्शन हुआ है तो हमें डाउट करते हुए ही वैल्यू निकालनी है, हम उनकी वैल्यू मानेंगे ही नहीं। चलो बताओ तो क्या करेंगे, तो उस ऐसे ही प्रोडक्ट को हम मार्केट में कितने बेचते हैं, मतलब ओपन मार्केट वैल्यू क्या लेंगे हम, सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू, इसमें लिख दूं वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और deemed distinct persons may be with consideration or without consideration। आपकी बात समझ आ गई ना, विद कंसिडरेशन भी हो सकता है, विदाउट भी हो सकता है। विद हो तो भी हमें वैल्यू निकालनी है, विदाउट हो तो भी हमें वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उनकी वैल्यू तो हमें माननी ही नहीं है। तो अगर इसमें क्या सिक्वेंस रहेगा, तो वैल्यू क्या होगी, पहला ओपन मार्केट वैल्यू, समझ में लगे आप ओपन मार्केट वैल्यू। दूसरा वहां पर क्या था, दूसरा वहां था मनी प्लस मनी इक्विवेलेंट, क्या ये हो सकता है? हो सकता है विदाउट कंसिडरेशन वाला हो, और मनी अगर हो भी तो हमें उसको तो एक्सेप्ट करना ही नहीं है, तो ये वाला नहीं है। अच्छा ये स्टेप हटा तो उनके में तीसरा स्टेप क्या था 27 रूल में, हाँ तो बस वही इससे आ जाएगा वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, ठीक है, कोई डाउट आपको? अब चौथा क्या होता था वहां पे, चौथा क्या होता था रूल 30, और फिर पांचवा क्या होता था रूल 31। तो 30 और 31, 30 क्या और 31 क्या, बेस्ट जजमेंट वैल्यूज, ठीक है। तो ये सिमिलर लिख के काट भी लेना ताकि तुम्हें एकदम याद हो जाए कि हाँ जैसा वहां था वैसे यहाँ पे है ना, कोई चेंज नहीं है, सिमिलर हो जाए। हाँ 27 तब लगेगा, अगर 28 लग रहा है तो 27 को भूल जाओ, ओवरराइडिंग हो जाएगा 28, क्योंकि रिलेटेड पर्सन के बीच है तो 28 ही लगेगा, 27 भूल जाओ। 27 रूल तब लगेगा जब रिलेटेड पर्सन नहीं है, डीम डिस्टिंक्ट नहीं है, नॉर्मल कोई व्यक्ति है, उसने मनी दी है प्लस कुछ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन दे गया है, लेकिन वो रिश्तेदार नहीं है, तो हमें उसकी मनी पे बिलीव है, बस हमें नॉन मॉनेटरी की वैल्यू निकालना है। तो अगर वो निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकलेगी तो फिर ये सारे नियम हम लगाएंगे, है ना, ऐसा मतलब हो। अगर रिलेटिव है तो सीधे 28 में जंप करेंगे, है ना, सब यही हो जाएगा उसका, तो चाहे वो पैसे दे चाहे नॉन मॉनेटरी कुछ भी करे, यही हिसाब होने वाला है। हम तो कंसिडर भी नहीं कर रहे उसकी नॉन मॉनेटरी वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू, कुछ कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि वो रिश्तेदार है, सब झूठ है, हमें सब कुछ अपने मन से ही क्या करना है, वैल्यू देना है। इस पूरे में आपको दिख रहा होगा कि
अगर वो रिश्तेदार है, रिलेटिव है, तो उसने क्या अमाउंट पे करा उससे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है। कंसीडर ही नहीं कर रहे हम कि आपने दिया क्या। रिश्तेदार नहीं है और वो कुछ पैसे देता है और नॉन मॉनिटरी देता है कुछ, तो हम मनी भी कंसीडर करेंगे और नॉन मॉनिटरी की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, क्योंकि वो सच है ना। तो यहां नोट करके लिख लो आप। और वो है कि एक्चुअल कंसिडरेशन इफ एनी पेड बाय रेसिपिएंट, जो कि क्या है, रिलेटेड पर्सन है या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है, इज इररिलेवेंट। आपने एक्चुअल क्या कंसिडरेशन दिया है हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि झूठ का बहुत ज्यादा स्कोप है। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब आया रूल नंबर 29। ये है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच वाला, ये पॉइंट मैं बताऊंगा आपको। देखिए क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड और रिसीव्ड थ्रू अ एजेंट। मतलब ये बात चल रही है मेड और रिसीव्ड थ्रू एन एजेंट, तो सप्लाई मेड भी हो सकती है, एजेंट को सप्लाई की भी हो सकती है, एजेंट से सप्लाई आई भी हो सकती है। सो द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन द प्रिंसिपल एंड हिज एजेंट सेल्फ। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की बात चल रही है, ठीक है, प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की बात चल रही है, तो क्या रहेगी, विद द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स बीइंग सप्लाई और एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर बी 90% ऑफ द प्राइस चार्ज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी बाय द रेसिपिएंट टू हिज कस्टमर्स नॉट बीइंग रिलेटेड पर्सन, यदि गुड्स आर इंटेंडेड फॉर फर्दर सप्लाई बाय द सेड रेसिपिएंट। फिर से समझना क्या बोल रहा है वो। सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, इन्होंने क्या बोला, ऑप्शन है इसके पास। पहला, ओपन मार्केट वैल्यू ले लें। दूसरा, दूसरा समझाना है, सरल है समझाना है। हाँ, ऑप्शन है। प्रिंसिपल ने एजेंट के पास कुछ सामान भेजा, अब भेजा आज, तो हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई तो आज निकालनी है, प्लीज समझे, नहीं तो क्या होता है वो, हमने सरल चीजों में बहुत कठिन बात होती है, डर लगता है कहीं रट ना जाए, क्योंकि रट गई तो कॉन्सेप्ट हट जाता है। इसलिए आप एक ही बार, अगर पहली बार में कॉन्सेप्ट समझा दिया तो ठीक है, नहीं तो दूसरी बार में कॉन्सेप्ट, मतलब दूसरी बार मतलब एक बार आपको याद हुई ना, कोई कोशिश ही नहीं कर सकता कॉन्सेप्ट समझाने की, क्योंकि जो चीज हमें एक्सेप्ट हो गई, हमें याद हो गई, तो हम थोड़ा यहाँ वहाँ अपना पानी वानी सब करते रहते हैं। इसलिए सुनना है पहले, एक बार में कॉन्सेप्ट समझे, फिर याद तो हो जाने सड़ी सी चीजें। उन्होंने बोला कि कौन किसको गुड सप्लाई कर रहा है, सपोज करो प्रिंसिपल किसको गुड सप्लाई कर रहा है, एजेंट को, एक गुड्स भेजी उसने, ए मे बी विदाउट कंसिडरेशन, उस दिन के अंदर कोई कंसिडरेशन ही ना हो, नॉर्मली नहीं होता। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसको हम क्या मानते हैं, सप्लाई मानते हैं, है ना, 7(1)C में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ना बोला दो ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये है कि ये प्रिंसिपल अपने कस्टमर्स को कितने में सेल करता है, मतलब ओपन मार्केट वैल्यू, मतलब ये मार्केट में ये कितने में बेचता है, हो सकता है मार्केट में 1000 में बेचता हो, सही है, इसको गुड्स भेजी। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो एजेंट है
वो मार्केट में कस्टमर को कितने बेचता है? हो सकता है ये 1200 में बेचता हूं, हो सकता है कि जो माल प्रिंसिपल एजेंट को भेज रहा है बेचने के लिए, वो कस्टमर को एजेंट आगे कितने बेचता हूं? 1200 में बेचता हूं। तो उन्होंने बोला कि जो ये 1200 में बेचता है, अब क्या हो रहा है, प्रिंसिपल ने तो माल अभी भेजा, अभी हमें वैल्यू निकालनी है, वो माल तो अभी पहुंचेगा या हो सकता है पहुंच गया हो, तो वो माल तो बिकेगा। अच्छा वो बिकेगा तब वैल्यू निकालेंगे क्या? सोचो, प्रिंसिपल आज एजेंट को माल भेज रहा है, तो सप्लाई तो आज है ना, तो वैल्यू तो हमें आज चाहिए ना। अब जो सामान मैंने भेजा वो आज बिकेगा नहीं बिकेगा, हो सकता है 2 महीने 3 महीने बाद बिके, लेकिन वैल्यू तो मुझे आज चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि मेरा जो रेसिपिएंट है एजेंट, वो सिमिलर टाइप की गुड्स, क्योंकि सेम तो पहुंचे ही नहीं, सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स एंड क्वालिटी वाली गुड्स को फर्दर कितने में सेल करता है। अब अगर वो 1200 में सेल करता है, तो क्या ऐसा तुम्हें लगता है कि वो प्रिंसिपल से 1200 में खरीदता होगा? अगर हम एजेंट को पैरा 3 वाला एजेंट बना दें 2 मिनट के लिए, तो 1200 में खरीद के तो 1200 में नहीं बेचेगा, तो फिर प्रिंसिपल एजेंट को कितने में देता होगा? ऐसा हम मान लेते हैं कि 1200 में बेच रहा है, इसका 90% इसको कॉस्ट पड़ती होगी, 1200 का 90% इसको क्या पड़ती होगी एजेंट को कॉस्ट, मतलब कितना, 10,000, 1,000, 80। ऐसा हमारा ये अंदाज है, ऑप्शन है पैसे भी उसके पास, क्या है उसके पास, ऑप्शन है। दो तीन सवाल पूछ रहा हूं, जल्दी जल्दी जवाब देना। हम किसकी वैल्यू, किसके एंगल से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकाल रहे हैं, किसके लिए, कौन सप्लाई कर रहा है, प्रिंसिपल। हमें किसके एंगल से वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालनी है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल बैठा है, प्रिंसिपल को ये भी पता है कि मैं ओपन मार्केट में कितने बेचता हूं, तो एक तो वो ऑप्शन हो गया जो प्रिंसिपल ओपन मार्केट में बेच रहा है। दूसरा उसको बोला गया आप पता कर लो आपका एजेंट कितने बेचता है, तो हम ऐसा मान लेंगे कि वो जितने बेचता है 10% का प्रॉफिट बढ़ा के बेचता होगा लगभग, तो सेलिंग प्राइस का कितना ले लो, 90 ले लो, हम मानेंगे उतने में आप उसको देते होगे सेलिंग, उसके सेलिंग प्राइस के 90 में आप उसको देते होंगे और वो 100 में बेच देता हो। अरे बात समझ में, मतलब हम एक मोटे मोटे तौर पे, एक्यूरेट नहीं, मोटे मोटे तौर पे हम मान रहे हैं कि एजेंट कितना परसेंट आगे कमा रहा है, 10% कमा रहा है, तो उसका 10% हटा के हम निकाल सकते हैं कि प्रिंसिपल से उसने सामान कितने में लिया होगा। क्या बात, अब क्लियर हो गई आपको, पक्का बोलो। दो ऑप्शन क्या है इनके पास एजेंट और प्रिंसिपल के केस में, पहला ओपन मार्केट वैल्यू सिंपल सा, दूसरा ऑप्शन है क्या, 90% ऑफ, प्लीज बोलना है, बोलना है नहीं तो भूल जाएगा, 90% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई किसकी, मेड बाय रेसिपिएंट, तो 90% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी मेड बाय रेसिपिएंट, रेसिपिएंट जो सप्लाई कर रहा है आगे लाइक काइंड एंड क्वालिटी की, उसकी 90% वैल्यू यहां कंसिडर करने है। ओके, अब तो कोई डाउट नहीं आपको, पक्का, चलो ठीक है। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा था, दूसरा भी लिख देता हूँ, एक मिनट रुक जाए। ये फैसिलिटी है आपके पास, दूसरा लिखना है 90% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी सप्लाई कौन कर रहा है, ठीक है हटा इसको। ओके अब तो उनके आपस में प्रिंसिपल एजेंट बन जाएंगे वो, रहेंगे हाँ अनरिलेटेड रहेंगे, इस टाइप पे कैलकुलेशन होगा एजेंट प्रिंसिपल वाला, वो आपस में प्रिंसिपल एजेंट बन जाएंगे। ठीक है हटाऊं क्या, आज क्लास के पहले इतना गला दर्द कर रहा था, मुझे लग रहा था क्लास नहीं ले पाऊंगा, ये पढ़ाते पढ़ाते ठीक होता जा रहा है, इनफैक्ट फीवर जैसा भी आ गया था मेरे तो।
रूल 29 हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे रूल नंबर 30। हाँ मैं कराऊंगा, छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं उनमें, ये इलस्ट्रेशन है। ठीक है, अरे 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 सॉरी, देखें एक मिनट, इसमें क्या लिखा है, अगर ऐसे नहीं निकाल पाओगे तो कैसे निकालोगे? रूल 30 और 31 से निकालोगे। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। तो पहला तो ये हो गया, यहां लिख देता हूं वन, और दूसरा ऑप्शन क्या है उनके पास, रूल 30 और रूल 31। ठीक है, पहला तो ये है कि ओपन मार्केट वैल्यू ले ले, और ऑप्शन है ओपन मार्केट वैल्यू की जगह 90% ले ले। पहला तो ये, अगर ऐसे नहीं हो पाता तो फिर क्या लग जाएगा, रूल 30 एंड 31। रूल 30 बोलो जल्दी से, क्या होगा? कॉस्ट, किसकी कॉस्ट, किसकी कॉस्ट, किसकी कॉस्ट? प्रिंसिपल की कॉस्ट प्लस 10%। और वहां हम जो एजेंट के एंगल से पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एजेंट की सेल माइनस 10%, मतलब 90% ले रहे जाऊं। सही है, समझ गए? और दूसरा 31 तो बेस्ट जजमेंट वैल्यूशन। ठीक है, हाँ मतलब मैं बोल रहा हूँ मोटा मोटा हिसाब से, ऐसा ऐसा इनबिल्ट अजम्पशन ले रहे हैं वो, क्योंकि जब जोड़ रहे हैं तो 10% जोड़ रहे हैं। देखो इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, मैं रिपीट कर देता हूं, और वही बात हम कर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरे जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ एक इनबिल्ट अजम्पशन आ रहा है, प्लीज सुने ध्यान से, कि हर कोई 10% ही कमा रहा है। इनका ये कहना है कि प्रिंसिपल को जितनी भी कॉस्ट पड़ रही होगी, रूल 30 के हिसाब से प्रिंसिपल को जितनी भी कॉस्ट पड़ रही होगी उसमें 10% जोड़ के ही वो एजेंट को दे रहा होगा, ऐसे ही मान रहे हो? तब तो कॉस्ट प्लस 10% जोड़ रहे हैं। ऐसे ही वो ये बोल रहे हैं कि जितने में एजेंट बेच रहा होगा अगर उसमें से 10% हटा दो तो वो एजेंट के नाम पे क्या निकल आएगी, कॉस्ट निकल आएगी अप्रोक्स। ठीक है, मैं अप्रोक्स इसलिए बोल रहा हूँ कि मैथमेटिकली गलत हो रहा है, वो सेल का 10% निकल रहा है, कॉस्ट का 10% निकल रहा है, तो अब हम उसको इग्नोर कर दें, है ना? इसलिए मैं बार बार अप्रोक्स 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 बोल रहा हूँ। ठीक है, हम इग्नोर कर दें, लेकिन मोटे मोटे तौर पर मान रहा है कि प्रिंसिपल 10% जोड़ के बेचता है, और अगर आगे एजेंट भी बेचता है तो वो भी 10% जोड़ के ही बेचता है। तो एजेंट की सेल में से 10% हटा दूं तो आ जाएगी कि प्रिंसिपल ने एजेंट को कितने में बेचा, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्रिंसिपल की कॉस्ट में 10% जोड़ दो तो आ जाएगी कि प्रिंसिपल ने एजेंट को लगभग कितने में बेचा। लेकिन सिक्वेंस ये होगा कि पहले आप क्या करेंगे, ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे, या ऑप्शन है आपके पास कि एजेंट के एंगल से कैलकुलेशन करके आप वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, लेकिन है वो ऑप्शन है। ठीक है, अगर वो ऑप्शन आप 90% वाला नहीं चुनते तो ओपन मार्केट वैल्यू ले लो, नहीं ओपन मार्केट वैल्यू और आपको वो ऑप्शन नहीं चुनना है मत चुनो, आप सीधे आ जाओ रूल 30 पे और कॉस्ट प्लस 10% मान लो, बात खत्म। हमें सबसे सरल ही पड़ेगा, वो ऐसा ही मान रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो इनका अनिमेश का एक क्वेश्चन है, प्लीज सुनते जाए, मैं आपके जो भी सवाल है मैं एक बार बोल भी दे रहा हूँ साइडों से। इनका ये कहना है कि सर 10% का ही मार्जिन मान रहा है, मेरा ये कहना है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एजेंट परचेज दिखा रहा है, फिर आगे एजेंट सेल दिखाएगा, और हम अगर ऐसा माने कि एजेंट जो फर्दर सेल कर रहा है वो अनरिलेटेड को कर रहा है, तो क्या वहां हमें एक्चुअल कीमत पता चल जाएगी? एक्चुअल कीमत पता चल जाएगी तो जितना जीएसटी लगना चाहिए कायदे से क्या उतना लग जाएगा, लग जाएगा। अब अगर प्रिंसिपल और एजेंट आपस में वैल्यू को मैनिपुलेट कर भी गए तो उतना बीच का आईटीसी ऊपर नीचे हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास तो अल्टीमेट उतना टैक्स पहुंच जाएगा जितने में फाइनल कंज्यूमर के पास चीजों को बेचा जा रहा है, और उन्हें तो पता ही है कि ये लोग मैनिपुलेट कर भी सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहला ऑप्शन दिया ओपन मार्केट वैल्यू का, और वो ऑप्शन ही वो सिक्वेंस है, ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे, जब नहीं मिलेगी ओपन मार्केट वैल्यू तो फिर आप कॉस्ट प्लस 10% लेंगे। ऑप्शन बस क्या है, ऑप्शन ये है कि आप ओपन मार्केट वैल्यू लेंगे, और ओपन मार्केट वैल्यू ना लेनी हो तो ये ले लें, ये है ऑप्शन। बाकी ये ऑप्शन नहीं है कि आप ओपन मार्केट वैल्यू ले लें या फिर रूल 30 ले लें, ये नहीं है ऑप्शन। मतलब क्या है, फिर ओपन मार्केट वैल्यू लो, अगर नहीं है ओपन मार्केट वैल्यू तो रूल 30 और 31 तक आएंगे, अगर ओपन मार्केट वैल्यू है तो बात वही खत्म हो जाएगी। बस ओपन मार्केट वैल्यू है तो भी आपको ऑप्शन है कि आप ओपन मार्केट वैल्यू या 90% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई
इन दोनों में से जो चुनना चाहें चुन सकते हैं। सरकार को कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे हो सकता है, वो भी समय की वजह से। एंड में तो पूरा अमाउंट कलेक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि जब भी एजेंट आगे बेचेगा वो सही कीमत पे बेचेगा, और हम बोल रहे हैं कि वहां झूठ का स्कोप नहीं रहेगा, उस पर पूरा टैक्स कलेक्ट हो जाएगा। अब अगर यहां सपोज करें 1500 की सप्लाई थी, 1400 दिखाई है प्रिंसिपल से एजेंट को, तो 1400 पे जीएसटी लगेगा, तो एजेंट को बाद में 1400 के हिसाब से आईटीसी मिलेगी। 1500 का दिखा देता तो बाद में 1500 के हिसाब से आईटीसी मिल जाती। केवल समय का फेर है, बाकी अमाउंट तो पूरा गवर्नमेंट के पास पहुंचेगा ही। ठीक है, सही है। और उसमें भी गवर्नमेंट इतना तो बेसलाइन बनाया है कि प्रिंसिपल की कॉस्ट प्लस 10% तो तब भी वो मेंटेन कर ही रहे ना। तो ज्यादा ज्यादा कितना, 2% और ज्यादा होगा या 1% कम होगा या 5% ज्यादा होगा, तो एक बेस तो हम पकड़े ही है। ऐसे थोड़ी बोल रहे कि आपने 1000 रुपए का सामान एजेंट को 200 में ही भेज दिया, चलो उस पर ही टैक्स चुकाओ, ऐसे तो हमने ऑप्शन दिया नहीं। हम बोले आपकी कॉस्ट क्या है, 1000 है क्या, तो हम मान रहे कम से कम तो आप 1100 में दे रहे हो, इतना तो हमने ले लिया। अब 1120 में दे रहे हो, 1130 में दे रहे हो, 1150 में दे रहे हो, थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे समय के हिसाब से एडजस्ट हो ही जाना है। ठीक है, तो हम ज्यादा उसमें ज्यादा पागल उनको बना भी नहीं पाएंगे, एक थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे हो। देखे रूल नंबर 30, पढ़ चुके हम रूल नंबर 30। सबसे ज्यादा बार क्या है रूल नंबर 30? इसको बोलते हैं कॉस्ट इनटू बंटल। क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ बेस्ड ऑन कॉस्ट, वेयर दी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ इज नॉट डिटर्मिनेबल बाय एनी ऑफ द प्रिसीडिंग रूल्स ऑफ दिस चैप्टर, एनी ऑफ द प्रिसीडिंग रूल। मतलब क्या हो गया, 27, 28, 29, इनसे वैल्यू नहीं निकल पाती। ठीक है, द वैल्यू शैल बी 110%, कितनी हो जाएगी, 110% ऑफ दी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर और द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच गुड्स और द कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सच सर्विस। प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग करिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 110%, आपने खरीदा है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का है ना, और सर्विसेज हैं तो प्रोविजन ऑफ सर्विस की जो कॉस्ट पड़ी है आपको उसका 110%। ठीक है, प्रोविजन ऑफ सर्विस का मतलब ये होता है कि सर्विस देने में आपकी कितनी कॉस्ट आई उसका 110% आप ले लें। क्लियर है क्या, ये हो गया रूल नंबर 30। अब पढ़ेंगे हम रूल नंबर 31, और फिर मैं एक बात बताऊंगा रूल नंबर 30 और 31 के संबंध में। पहले पढ़ लेते हैं, रेसिडुअल मेथड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड अंडर रूल्स 27 to 30, यानी 31, 30 के भी बाद आएगा। प्लीज सुने, ये लड़कियां साथ बैठ गई हैं, लड़कियां साथ में बैठे हैं, ठीक है, अलग ही बातें चलती रहती हैं उनकी। सुनो क्या बोल रहा था मैं, ये सीक्वेंस होता है कि जैसे रूल नंबर 27 पढ़ा हमने, उसके सारे ऑप्शन नहीं हो पा रहा तो 30 और नहीं हो पा रहा तो 31। रूल नंबर 28 हमने पढ़ा, उसके जो ऑप्शन है अंदर, ठीक है, वो ओपन वैल्यू फिर सारी चीजें, नहीं हो पा रहा तो 30 और फिर 31। गुड्स के केस में आपको यही सिक्वेंस करना पड़ेगा, 30 और फिर 31। ठीक है, पहले अंदर के रूल समझे ना, अंदर के रूल कौन से, जिस 27 में सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू, फिर मनी प्लस मनी की बैलेंस, फिर काइंड, ठीक है, एंड क्वालिटी, और फिर 30 एंड 31। तो अंदर के फिर 30 फिर 31, लेकिन सर्विस के केस में आप अंदर के बाद 30 और 31 में से जो चुनना चाहें उस पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। मतलब अगर सप्लाई ऑफ सर्विस है उसके बदले मनी प्लस नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला है, सप्लाई ऑफ सर्विस है और क्या मिला है, मनी प्लस नॉन मॉनेटरी, कौन से रूल में चले जाएंगे, 27 में जाएंगे, 27 गए या नहीं गए, हमने सर्विस दी है, सर्विस के बदले हमें मनी प्लस नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला है, 27 में गए। तो पहला ओपन वैल्यू, दूसरा मनी प्लस इक्विवेलेंट, तीसरा वैल्यू ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी, ये तीन तो अंदर हो गए। अब इनसे नहीं हो पाया तो सर्विस के केस में ऑप्शन है कि आप चाहो तो 30 में चले जाओ और चाहो तो आप 31 में चले जाओ।
गुड्स के केस में फिक्स है, पहले 30 फिर 30 भाई, कि अगर कॉस्ट प्लस 10% है तो कर लो, नहीं है तो बेस्ट जजमेंट करते रहना, क्योंकि बेस्ट जजमेंट थोड़ा अलग प्रोसीजर हो जाएगा। सर्विस में ऐसा क्यों नहीं है, आप लॉजिक लगाएं, सर्विस की कॉस्टिंग नहीं निकाली जा सकती। बोला कि सर्विस की कॉस्ट 30, रूल नंबर 30 क्या बोलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस प्लस 10%। अब मैं खुद ही काम कर रहा हूं किसी प्रोजेक्ट पे, ठीक है, मैं एक चार्टर्ड हूं, मैं ऑडिट कर रहा हूं, मैं खुद ही काम कर रहा हूं, अब मेरी ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है, इस पे मेरी कॉस्ट क्या है, मेरी कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मेरी कोई कॉस्ट ही नहीं है क्योंकि मैं खुद ही काम कर रहा हूं। ये तो और कठिन बात है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस क्या है। हो सकता है मैंने दो आर्टिकल लगाए हों, उन आर्टिकल का तो कितना ले लूंगा, उन आर्टिकल का मैं, एक गलत बात छिड़ दी, आ रही बात समझ में आपको। तो प्रोविजन ऑफ सर्विस के केस में सर्विस की कॉस्टिंग निकालना मतलब बहुत अजीब बात है, मतलब क्लियर है कि कॉस्टिंग नहीं होती, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जरूर हो सकती है, कॉस्टिंग तो सर्विस की क्या। इसीलिए हम सीधा कहां जंप करेंगे, 31 पे, और हम बोलेंगे कि हम बेस्ट जजमेंट करेंगे कि इस तरीके की सर्विसेज किसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम उसका जजमेंट करके वैल्यू निकालेंगे। कॉस्ट प्लस 10% नाम का तो रूल हमारी समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा हम उनको बोलेंगे। इसलिए सर्विस वाले को ऑप्शन दिया गया है, वो अपने अंदर के रूल तो फॉलो करेगा, अंदर के रूल तो वही है, ओपन मार्केट वैल्यू, आप दूसरा ऑडिट कितने में करते हो, फिर मनी प्लस नॉन मॉनिटरी की वैल्यू कि पैसे कितने मिले और जो मिला उसकी वैल्यू देख लो, उतने में मान लेंगे। तीसरा, आप ए सर्विस आपने कभी नहीं दी लेकिन इस तरीके की सर्विसेस आप कितने में देते हो, ये सिक्वेंस तो सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब ये सिक्वेंस खत्म हुआ 27 के तीनों पॉइंट के बाद, तो चौथा आया कि रूल 30 लगा दो, तो रूल 30 उन्होंने बोला कि आपकी कॉस्ट देख लो ऑडिट करने की और 10% जोड़ दो। हमने कहा कॉस्ट का क्या मतलब, एक दिन गए थे 5 घंटे काम किया था, लौट आए थे ऑटो का किराया आएगा 40 रुपए, कौन सी कॉस्ट देख लो। इसीलिए तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर आप देख लो अपने हिसाब से देख लो। तो क्या देख लो, आप डायरेक्ट 31 पे भी जंप कर सकते हैं, गुड्स के केस में नहीं, ठीक है, गुड्स के केस में आपको रूल फॉलो करना हो। क्या कोई डाउट क्लियर है आपको? चलो देखो, 31 में समझा रहा था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेयर दी वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ कैन नॉट बी डिटर, अच्छा वो समझा रही, वेयर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड द रूल्स 27 to 30, द सेम शैल बी डिटरमाइंड यूजिंग रीजनेबल मींस कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल एंड द जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 एंड प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। बोले आप रीजनेबल मींस से आप वैल्यू निकालें, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि हमने सेक्शन 15 वगैरह में क्या पढ़ा हुआ है, टैक्स वैक्स लग रहे हैं, खर्चे लग रहे हैं, सर्विस देने के इंसिडेंशल इंसिडेंटल खर्चे हो रहे हैं, वो सब आप कंसिडर कर लेना, तब क्या निकालना, वैल्यू निकाल, है ना। जैसे आप सर्विस दे रहे हो तो उसके आपको इंसिडेंटल खर्चे लग रहे हैं, वो सब आप कंसिडर कर लेना। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस द सप्लायर मे ऑप्ट फॉर दिस रूल इग्नोरिंग रूल 30, मे ऑप्ट, ठीक है, मैं इन बातों को नोट करा दू। तो रूल 30 तो क्या है, कॉस्ट इनटू 110% रूल लिख लें, वेयर वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर रूल 27, 28, 29, देन वैल्यू शैल बी कॉस्ट देन वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट इंटू 110%।
हाँ, अरे कैसे बात कर रहे। ठीक है सर्विस के केस में 28, 27, 28, 29 के जो इंटरनल सीक्वेंस है वो तो फॉलो करना है। फिर आप 30 फिर 31 जाएं या फिर 28, 29 के बाद 31 जाएं, दोनों ही आपको अलाउ है। ठीक है ओके। वो सभी ट्वेंटी नाइन में बोल रहे हो रहेंगे, क्योंकि देखें तो क्या कर रहा है ये, तो एक वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कि ओपन मार्केट वैल्यू, तो ओपन मार्केट वैल्यू निकालते समय भी अगर अदरवाइज तुम वैल्यूएशन करते, हम वैल्यूएशन करते, तो क्या फिर हम डिस्काउंट नहीं हटाते? क्या फिर हम इंसिडेंटल एक्सपेंस नहीं इंक्लूड करते? सब करते, तो सब करें। इवन बेस्ट जजमेंट में भी हम सेक्शन 15 का सब ध्यान रखेंगे कि डिस्काउंट वगैरह सब ध्यान में रखते हुए हम वैल्यू निकालें। कौन सा? हाँ ये 15-4 पढ़ रहे थे, है ना? ये हम सेक्शन वाइज देखें तो कौन सा पढ़ रहे हैं, 15-4 ना, और जो भी रूल पढ़े एक बार बस जल्दी से बोलो, रूल नंबर 27 किस बारे में था? रूल नंबर 27 किस बारे में था ये पूछ रहा हूँ। मनी प्लस नॉन मॉनेटरी। 28 किस बारे में था? सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम डिस्टिंक्ट पर्सन विद कंसिडरेशन हो सकती है और विदाउट कंसिडरेशन हो सकती है। अब चूंकि रिलेटेड पर्सन है तो वो मनी वाला पॉइंट हट जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अगला क्या था? 29 किस बारे में था? प्रिंसिपल और एजेंट में दो चीजें थी, या तो ओपन मार्केट वैल्यू या फिर रूल 30 और 31। ओपन मार्केट वैल्यू के साथ ऑप्शन था कि ओपन मार्केट वैल्यू के साथ ऑप्शन में आप क्या ले सकते हैं, 90% ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई मेड बाय रेसिपिएंट, सिमिलर काइंड की चीजें की जो सप्लाई करेगी, ये ध्यान रखना किसके साथ वो ऑप्शन था। फिर 30 हमने पढ़ा कॉस्ट प्लस 110%, ठीक है, और 31 बेस्ट जजमेंट करना है, रीजनेबल बेसिस पे करना है, सेक्शन 15 को ध्यान में रखते हुए करना है ना? तो बेस्ट जजमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एमआरपी ले लो किसी चीज का, डिस्काउंट हो सकता था, इंसिडेंटल चार्जेस हो सकते हैं, वो सारे कंसिडर करते हुए लें। ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई, प्रैक्टिकल तो इसका हम कुछ कर नहीं सकते। बात समझ आ गई कि आपको इतनी। फिर हमने पढ़ा कि रूल नंबर 31 और 30 के बीच ये देखना है हमें कि गुड्स के केस में तो सिक्वेंस सेम रहेगा और सर्विस के केस में आप डायरेक्ट 30 की जगह 31 पे जंप मार सकते हो। ठीक है,
और ऐसा कि या तो रूल 27 लगे, 28 लगे, 29, जो भी लगे इनमें से, उनके बाद 31 पे जा सकते हैं। इंटरनल सीक्वेंस तो आपको फॉलो करना ही होगा, ठीक है? ओके, अब पढ़ेंगे हम नया सेक्शन, जिस सेक्शन का नाम है सेक्शन 15(5). हाँ बोलो, बचाऊं बताऊं। बताऊंगा, वो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप थोड़ा और पढ़ते हैं तो फिर आपको इजीली समझ में आ जाती है, उनको बीच में छेड़ो तो वही वाली बात होती है। ओके ओके, सुनो 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 सुनो, लड़के एक साथ में बैठे। ओके, 15(5), ये है क्या वैल्यूएशन रूल्स फॉर प्रिस्क्राइब्ड, सॉरी, वैल्यूएशन रूल फॉर नोटिफाइड ट्रांजेक्शंस। 15(5) में हमने पढ़ा था कि अगर कुछ चीजों को नोटिफाई कर दिया है, ठीक है, तो उनके ऊपर अलग से वैल्यूएशन रूल बनाएंगे। ठीक है, बता देता हूं क्या नोटिफाई किया है और वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जो लोग लॉटरी टिकट को खरीदने बेचने का काम करते हैं, उनको नोटिफाई किया गया है। जो एयर ट्रेवल एजेंट होते हैं, जो एयर ट्रेवल की टिकट्स में ट्रांजेक्शन करते हैं, दिन भर में मल्टीपल ट्रांजेक्शन होते हैं, उनके ट्रांजेक्शन पे वैल्यू कैसे निकाली जाएगी उसको डिटरमाइन किया गया है। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, डॉलर के बदले रुपए देते हैं या डॉलर के बदले पाउंड देते हैं, यूरो देते हैं, तो उनका जो दिन भर का काम है उसको बोला गया है। देखो ऑप्शन है, आप चाहो तो अपनी मर्जी से कर लो, जो आपकी वैल्यू निकलती है उस पर चुका दो। अगर आपको चाहिए तो ये ऑप्शन चुन सकते हैं, सरल ऑप्शन है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके की बात होने वाली है यहाँ पे, जैसे हम पढ़ते हैं ना प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, है ना कहीं कि यार क्या करना है, अगर कॉम्प्लिकेशन आ रहे हैं तो सिंपल सा करो, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ले लो। आपका जो भी टर्नओवर है, मान लो इनकम टैक्स की बात करूं मैं 44AD की, तो आपका जो भी टर्नओवर है उसका 6 से 8% आपको प्रॉफिट मानना है, बात खत्म। पूरा हिसाब किताब लगाने की जरूरत नहीं है। अब जरूर नहीं है प्रॉफिट उतना हो, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आपका प्रेजेंटेबल लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो आप देख लो, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। बात समझ आई थोड़ी सी? ऐसे ही इनको बोला गया कि आप अपनी कैलकुलेशन कर दो, जो वैल्यू निकल रही है आप उस पर जीएसटी दो, हमें कोई एतराज नहीं है। फिर भी आप सोचे कि यार फॉरेन एक्सचेंज के मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, दिन भर ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, आप सोचे सर मैं हर एक ट्रांजेक्शन कहां तक वैल्यू निकालूंगा, तो हमने ठीक है फिर आसान तरीके बता देते हैं, वो फॉलो कर लो। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी लेकिन ठीक है चलेगा। ठीक है, तो ऐसे जहां मल्टीपल ट्रांजेक्शन होते हैं उन्होंने वहां इनको रूल बना दिया कि आप इनको फॉलो कर सकते हो, ये मैंडेटरी तो नहीं है। क्या हुआ? ओके, देखें तो यहां से 15(4) शुरू हो रहा है, तो 15(4) में रूल है रूल 31A। ठीक है, सॉरी, ठीक है, रूल 31A पढ़ेंगे हम, जो कि संबंधित है किससे, लॉटरी से। और इसी तरीके के रूल नंबर 32 है जो कि संबंध है किससे, इसमें 5 ट्रांजेक्शन कवर होते हैं, तो मैं पहले 31 खत्म कर देता हूं ताकि टाइम खराब ना हो हमारा। यहां लिख दूं मैं सेक्शन कौन सा चल रहा है अभी, नोटिफाइड ट्रांजेक्शन चल रहा है। ठीक है, ओके, शुरू कर दो। हाँ, बस ए 31A और रूल 32 खत्म करके, दो रूल खत्म करके चुप रहो। नहीं, मैं ब्रेक कर दूंगा, मैं कर देता हूँ ना ब्रेक, मैं कर दूंगा ब्रेक, क्यों नहीं ब्रेक करूंगा, ब्रेक तो करूंगा ना। सुनो प्लीज, थोड़ा ध्यान से सुनो, है ना, मैं इनको यहां पे दिखा देता हूँ आपको, जहां इनका एक्सप्लेनेशन है वहीं आपको एग्जाम्पल भी मिलते जाएंगे। ठीक है, ये देख लें रूल 31A, ये है पेज नंबर 7.4.5। तो हमें एग्जाम्पल मिलते जाएंगे तो हमारा साथ में खत्म होते चला जाएगा, क्योंकि बिल्कुल आसान है। मतलब आप सोचो कि समझाएं तो प्रिजम्पटिव में क्या समझाएं, इतना समझाते हैं कि लॉजिकली अमाउंट क्यों किया गया है,
बाकी तो प्रजम्स रन ही है उसका, है ना, आपको फॉलो करना है। देखो वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग एंड हॉर्सेस, इसमें सुनते जाना, लॉटरी को अलग दिमाग में रखना है और बाकी सब अलग आ जाएंगे, दोनों के लिए रूल अलग है। तो उन्होंने बोला कि मैं थोड़ी सी लाइन भी रीड कर दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में नोटिफाइड ट्रांजेक्शन की एक इमेज बने। अ न्यू रूल 31A हैज बीन इंसर्टेड इन सीजीएसटी रूल टू प्रोवाइड फॉर वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई ऑफ लॉटरी एंड एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन इन बैटिंग। ये एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं, ये यहाँ से हो रहा है, एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन द बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग इन अ क्लब। दो चीजें हो गई, एक तो लॉटरी के संबंध में बात करता है और दूसरा एक्शनेबल क्लेम, वो क्या है, चांस टू विन, मतलब सट्टे के बारे में बात करता है। सट्टा लगा हुआ है, आपने घोड़े पे पैसा लगाया, आप उसको पास भी कर सकते हैं किसी और को, होता है ना कि आपके पास वो टिकट है, आप किसी को पास कर सकते हैं कि मैंने इस पे लगाया था, चाहिए क्या, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो उस बारे में बात कर रहा है, दो चीजों के बारे में बात कर रहा है। सो द रूल प्रोवाइड दैट वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई विल बी गवर्न बाय स्पेसिफिक प्रोविजन सेट आउट इन द सेड रूल एंड नॉट बाय एनी अदर वैल्यूएशन रूल। तो स्पेसिफिक प्रोविजन आएगा, ठीक है, देखें ये स्पेसिफिक है और ये वॉलेंटरी है, लिखवा देता हूं मैं, लिखवा दूंगा आप मत नोट करो, दो मिनट खत्म कर लूं मैं इसको, तो मैं समझा, यहां से देखना है थोड़े गौर से। सप्लाई अगर हो रही है, सप्लाई ऑफ लॉटरी बाय ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, अगर लॉटरी की टिकट सप्लाई हो रही है तो लॉटरी की टिकट की वैल्यू क्या मानी जाएगी, तो जो लॉटरी की टिकट बिकती है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस रहती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि आप इस केस में कैसे वैल्यूएशन करें, तो हायर ऑफ टू अमाउंट्स टू बी डीम्ड एज वैल्यू, इसे हम वैल्यू मानेंगे, किसकी, लॉटरी की टिकट की वैल्यू मानेंगे। बिल्कुल कठिन बात नहीं है, सड़ी सी बात है, नॉर्मल डिस्कशन है। जो उसकी फेस वैल्यू है उसको 100/128 कर लो, इसका मतलब है कि जो लॉटरी टिकट है, आपसे बोले 100 रुपए की टिकट है तो क्या 118 मांगते हैं कि 100 मांगते हैं, बोलो। अगर आपको वो टिकट 100 रुपए में बेच रहा है तो 100 ही मांगेगा कि 118 मांग लेगा, 100। लॉटरी के ऊपर जीएसटी की रेट क्या है, 28, ठीक है, चेंज होती रहती है, अभी 28 है, तो ये कितना हो गया कि जो भी टिकट हमने खरीदी है, जो भी टिकट हमने खरीदी है वो कितने के बराबर है, 128 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो हम बताएंगे लॉटरी की वैल्यू क्या है, लॉटरी की वैल्यू है 100 और टोटल वैल्यू 128। तो अब इन्होंने क्या बोला, हायर ऑफ टू अमाउंट टू बी डीम्ड एज वैल्यू, तो वही 100% 128 मानते हुए 100% ऑफ फेस वैल्यू और 100% ऑफ प्राइस एज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, जितनी उसकी फेस वैल्यू लिखी है या फिर जो वैल्यू वो नोटिफाई करेंगे उसमें से जो ज्यादा है उसका 100/128 भी ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उनका ये कहना है जो वैल्यू ज्यादा है उसको हम वैल्यू मानेंगे, और वैल्यू उन्हीं ने डिसाइड करी है, फेस वैल्यू भी उन्होंने डिसाइड करी है और दूसरी नोटिफिकेशन के द्वारा वो अनाउंस भी कर सकते हैं, जो भी वैल्यू होगी लॉटरी टिकट की, या तो फेस वैल्यू या कौन सी वैल्यू बताएं, प्राइस एज नोटिफाइड इन ऑफिशियल गजट बाय द ऑर्गेनाइजिंग स्टेट, मतलब गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है कि ये वैल्यू लें। तो उन्होंने सपोज करो पहले प्राइस रखा था 500, लेकिन फिर उन्होंने अनाउंस करके प्राइस कर दिया कितना, 600, तो आप किसको कंसिडर करेंगे, उनके हिसाब से किसको कंसिडर करेंगे, 600, ठीक है। और उसको क्या करेंगे, इंटू 100/128 में 28 किस चीज का है, जीएसटी का। तो आप दो तीन बातें सुन ले, लॉटरी पर टैक्स लगाने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को था, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कौन कौन से टैक्सेस सबसे उठ हुए हैं, किसको था, स्टेट को। जितनी भी लॉटरी है, मैंने लॉटरी की कंपनी का, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, मैंने उसका ऑडिट किया हुआ है, ठीक है, प्ले विन इंडिया लिमिटेड करके नाम था उसका, प्ले विन इंडिया लिमिटेड, सिक्किम गवर्नमेंट की कंपनी थी वो। तो जितनी भी लॉटरी की कंपनी होती है वो सब स्टेट गवर्नमेंट की होती है, क्योंकि लॉटरी इज एन वैगरिंग एग्रीमेंट, क्या है, वैगरिंग एग्रीमेंट है, वैगरिंग एग्रीमेंट समझते हो, शर्त लगा रहा है वो आप कि जीतोगे कि हारोगे, तो ऐसे एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होते नहीं है, वॉइड एब इनिशियो,
इसलिए लॉटरी तो तभी चल सकती है जब सरकार चला रही हो, क्योंकि फिर भरोसे पे काम चल जाएगा। अदरवाइज कोई और चला रहा है तो चल तो सकती है, लेकिन अगर वो नहीं चली तो आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते, क्योंकि बैकरिंग एग्रीमेंट है। क्या कोई डाउट आपको? तो सारी जितनी भी होती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं, सब स्टेट गवर्नमेंट की हैं, और स्टेट गवर्नमेंट इसको चलाती है, एजेंट के थ्रू टिकट बिकवाती है। ठीक है, तो हमें एजेंट के केस में समझना पड़ता है उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो रही है। गवर्नमेंट एजेंट को बेच रही है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या हो रही है, एजेंट आगे भी बेच सकता है। तो उन्होंने सिंपल सा रूल दिया है, ऐसा मान लो कि जो प्राइस है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, और जीएसटी की रेट कितनी मान लो 28 है, तो उसको 128 मानते हुए 100 कर लो, वैल्यू निकल आई। बस प्राइस कौन से दो, या तो जिसकी फेस वैल्यू है, जो फिर नोटिफाइड वैल्यू होगी वो, ठीक है, फेस वैल्यू या फिर नोटिफाइड वैल्यू, विच एवर इज हाई, वो आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, एक मिनट देखे पहले एग्जाम्पल, फिर मैं ये कराता हूँ, है ना, दूसरा पॉइंट कराता हूँ, वो एक्शनेबल क्लेम का है। तो पहले हम लॉटरी का एग्जाम्पल देख लें। द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट रन्स अ लॉटरी वेयर फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट इज 250 एंड द प्राइस नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजेटेड 240। कितना ले लेंगे? विच एवर इज हायर। हियर द वैल्यू ऑफ लॉटरी इज 195.313। कैसे निकाला? दैट इज हायर ऑफ 240 इंटू 100 डिवाइड बाई 128 और 250 100 128, विच एवर इज हाई। तो इन्होंने निकाला, इसको 195 आया, इसका 187 आया, तो जो आया। समझ गए क्या? दूसरा एग्जांपल सेम है, सिमिलर है। गवर्नमेंट ऑफ स्टेट रन सम लॉटरी वेयर फेस वैल्यू ऑफ लॉटरी टिकट इज 250। इसमें फेस वैल्यू कितनी है? 250 एंड द प्राइस नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट इज 260। इसमें नोटिफाइड प्राइस क्या है? ज्यादा है। शेयर द वैल्यू ऑफ लॉटरी इज, तो क्या हो जाएगी? इनको इसको निकाल लो, इसको निकाल लो, विच एवर इज हायर हो जाएगी। कोई डाउट आपको? ठीक है, अब देख लें। सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन इन बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग इन अ रेस क्लब। रेस क्लब में रेस चल रही है, आपने दाव लगाया हुआ है, कोई अमाउंट आपने लगाया हुआ है, ठीक है, अब वो आप किसी और को दाव सेल कर रहे हो कि मैंने इतने रुपए लगाए हुए हैं, तुम्हें चाहिए हो तो ज्यादा पैसे देकर मुझसे खरीद लो। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने क्या बोला है, यहाँ आप एक तरह समझो कि जीतने के अधिकार आप बेच रहे हो, जीतने के अधिकार नहीं, जीतने के चांसेस बेच रहे हो आप। मैंने पैसे लगाए हैं, वो घोड़ा दौड़ रहा है, 1 लाख रुपए लगाए हैं, मैं अपने अधिकार आपको दे रहा हूँ कि वो घोड़ा दौड़ रहा है, मैंने 1 लाख रुपए उस पर लगाए हैं, आप चाहो तो वो चीज मुझसे एक्वायर कर सकते हो, वो राइट मुझसे एक्वायर कर सकते हो, 1,10,000 रुपये दे दो। कितने दे दो? 1,10,000। तो उन्होंने बिल्कुल सिंपल बोला, जितने में बिकेगा उतनी वैल्यू मानेंगे, खत्म। तो क्या होगा? 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बेट और द अमाउंट पेड इन टू द टोटलाइजेटर। वो व्यक्ति होता है जो क्या करता है, सारे सट्टे का पैसा जोड़ता है, जो जीतता है उसको बांट देता है, वो टोटलाइजेटर कहलाता है। तो उन्होंने क्या बोला? 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ बेट और द अमाउंट पेड इन टू टोटलाइजेटर। आपने जितना उसकी फेस वैल्यू है बेट की वो, या जितना भी अमाउंट आपने टोटलाइजेटर को दिया है, अगर फेस वैल्यू कुछ नहीं है, जितना भी सट्टे में पैसा लगाया है आपने, वो उसकी वैल्यू कहलाएगी कि आपने इस पे इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने राइट किसी को बेच रहे हो, जितने पैसे में बेच रहे हो आप, वो उसकी वैल्यू कहलाएगी। मतलब डिस्प्यूटेड मुद्दा है नहीं, सिंपल सा, जितने बेच रहे हो उतने। ठीक है, सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम इन द फॉर्म ऑफ चांस टू विन इन बेटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्सेस। 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ बेट और द अमाउंट पेड इनटू टोटलाइजेटर। यह टोटलाइजेटर कौन होता है? इज अ कंप्यूटराइज्ड डिवाइस दैट पुट्स द बेगर्स बेट। सारा पैसा जोड़ लेता है और क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, जो जीत जाते हैं, किसको देता है पैसा, जो जीत जाते हैं। तो आपने उसमें जितना भी पैसा रखा है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गई। ठीक है, अब एक बार बोल रहे, एक मिनट बस। 31A में दो चीजें पढ़ी हमने, लॉटरी और विनिंग के चांसेस, एक्शनेबल क्लेम जो विनिंग से संबंधित है, एक्शनेबल क्लेम जो विनिंग से। लॉटरी के केस में क्या करना है, फेस वैल्यू या जो नोटिफाइड वैल्यू है उसका 100 इंटू 128, जो भी हायर वाली है वो ले लेंगे। और इस केस में क्या करेंगे हम, विनिंग के चांसेस वाले केस में क्या करेंगे हम, 100% ऑफ फेस वैल्यू और जो भी अमाउंट पेड किया है टोटलाइजेटर के पास वो ले लेंगे हम। ठीक है, रूल नंबर 32 का सुन लें क्या है, मैं ब्रेक कर दूंगा फिर हम पढ़ लेंगे क्या है। रूल नंबर 32 के अंदर पांच
चीजों को कवर किया गया है। पहले तो ये देखें, रूल 32 प्रोवाइड द वैल्यूएशन मेथड फॉर फाइव स्पेसिफिक सप्लाईज। फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई, एयर ट्रेवल एजेंट वाली टिकट्स के बारे में बात करेगा, ठीक है। रूल 32 ओवरराइड अदर रूल ऑफ वैल्यूएशन, दस दी सप्लाईज प्रिस्क्राइब इन दिस रूल नीड नॉट बी वैल्यूड बाय सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग रूल 27 to 32। आपको वो सिक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वैल्यूएशन मेथड प्रिस्क्राइब अंडर 32 आर ऑप्शनल। जो वैल्यूएशन मेथड है वो क्या है, ऑप्शनल है। द सप्लायर कैन यूज देम इफ ही सो डिजायर्स। ही कैन ऑल्सो ऑप्ट टू वैल्यू हिज सप्लाई इन अकॉर्डेंस विद अदर वैल्यूएशन रूल। अगर उसको लग रहा है कि हाँ ये उसको ठीक लग रहा है, जैसे प्रिजम्पटिव टैक्स है, उसको लग रहा है ठीक है तो चुन ले, नहीं लग रहा है ठीक तो वो अपना नॉर्मल तरीके से काम कर सकता है, कंपलसरी नहीं है। बस एक पांच देख ले कौन कौन से हैं। बस 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 2 मिनट देखें। एयर रूल 32 सब रूल 2, एयर रूल 32 सब रूल 3, एयर रूल 32 सब रूल 4, ठीक है। ऐसे पढ़ते हैं। ने क्या लिखा है, परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग मनी चेंज। फॉरेन करेंसी के संबंध में कुछ रूल पढ़ने हैं हमें, कैसे वैल्यू निकालेंगे। एक तो बिल्कुल सिंपल है, कोई डॉलर लेके आया, हमें उसको पैसे देने हैं। पैसे का रेट चल रहा है 75, हम उसको दे रहे हैं लेकिन 74 रुपये 1 डॉलर पे। 1 डॉलर का रेट क्या चल रहा है, 75। वो डॉलर लेके आया लेकिन हमने उसको कितना दिया, 74। बताओ हमने कितना रुपए कमाए 1 डॉलर पे, 1 रुपए। तो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या हो गई हमारी, 1 रुपए के बदले में हमने ये सब काम किया। सिंपल सी बात हो गई, ऐसे लिखा उसके अंदर। फिर दूसरा देखें, बुकिंग ऑफ टिकट फॉर एयर ट्रेवल बाय एन एयर ट्रेवल एजेंट। तीसरा है लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस। चौथा है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। पांचवा है वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वाउचर स्टाम्प कूपन्स और टोकन्स। बोले पांच कौन कौन से हैं एक बार, ऐसे जबरदस्ती नहीं था लेकिन हाँ ब्रेक करा रहे इसलिए। फॉरेन करेंसी के बारे में बात करनी है, एयर ट्रेवल एजेंट के बारे में बात करनी है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करनी है, चौथा सेकेंड हैंड गुड्स के बारे में बात करनी है, और पांचवा वाउचर्स के बारे में बात करनी है। आप 10 मिनट और रुक जाओ तो 2 पॉइंट करा दूंगा, फिर ब्रेक ले लेना चलेगा क्या, हो जाएंगे 2 पॉइंट। तो ब्रेक के बाद वो बचे हुए पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएंगे, जैसा आप बोलो, जरूरत थी कुछ नहीं। कौन सा वाला, कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट। चलो ठीक है, ब्रेक तो कर लो, 10 मिनट में आ जाना डॉट, ठीक है, प्लीज।